कई लोगों को एक ना एक क्या बोलते हैं उसे, एक कॉम्प्लेक्स सा होता है, अजीब सा इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो इन दैट केस उनको कई बच्चों को लगता है यार आई एम नॉट सो स्मार्ट, मैं तो ऋतिक रोशन नहीं लगता, मैं तो सनी देओल नहीं लगता, मैं तो दीपिका पादुकोण नहीं लगती, मैं तो आलिया भट्ट नहीं लगती। यू नो कई लोग कहते हैं मैं उसके जितना तेज तो नहीं हूं, गुप्ता जी का लड़का ज्यादा तेज है, वर्मा जी का लड़का ज्यादा तेज है, शर्मा जी का लड़का ज्यादा तेज है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, मेरा तो दिमाग चलता ही नहीं है। कई लोग कहते हैं आई एम सो अगली। तो कई लोगों को ना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब उनको लगता है यार मतलब मैं कहीं सर्वाइव ही नहीं कर सकता। कई लोगों को लगता है यार क्या है मेरे बाबा पता नहीं क्या पैदा कर दिया उन्होंने, मतलब मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा स्मार्ट लोग हैं। अरे भाई साहब सीधी बात बताऊं, इस पूरी दुनिया में स्मार्टनेस से कुछ नहीं होता, स्मार्टनेस से होता तो आज बॉलीवुड पे शाहरुख खान राज नहीं कर रहा होता। क्यों आपको नहीं लगता कि शाहरुख खान से बढ़िया कोई, शाहरुख खान से स्मार्ट ठीक है, या फिर सुशांत सिंह राजपूत, आप देखो सुशांत सिंह राजपूत हो चाहे शाहरुख खान हो या जितने भी बढ़िया एक्टर्स हो जो आप बॉलीवुड पे राज करते हैं या बॉलीवुड पे शहनशाह हैं उनकी, उन्होंने कुछ तो अच्छा अचीव किया होगा, लेकिन वो इतने स्मार्ट थोड़ी दिखते हैं। स्मार्ट हीरोज बहुत आए और चले गए, लेकिन आज लोग इनको जानते हैं। सो दीज आर द पीपल हु आर नॉट स्मार्ट बट दे आर सो कॉन्फिडेंट। के टाइम पे ना सारा खेल कॉन्फिडेंस का, बताओ जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है तो समय अपने आप को हैंडसम बना देगा। तो आप स्मार्ट हो या नहीं आप खुद डिसाइड करते हो, अगर आप में कॉन्फिडेंस है आप स्मार्ट दिखोगे, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप स्मार्ट नहीं दिखोगे, दैट्स इट। कोई गोरा होने से स्मार्ट नहीं हो जाता, शकल दीपिका पादुकोण होने से स्मार्ट नहीं बन जाता, समझ में आता है, चार मेकअप के पोथे लगा के स्मार्ट नहीं बन जाता। सो द स्मार्टनेस इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस लेवल, इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस लेवल यू आर स्मार्ट। ओके।